मैं आप लोगों के लिए जो है शिवशाही बस में जो है एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है शिवशाही बस में। और दोस्तों आज की जो शिवशाही बस से जो जर्नी है वो मेरी लाइफ की फर्स्ट टाइम जर्नी है, इससे पहले मैंने जो है शिवशाही बस में जो है जर्नी नहीं की है। ये देख सकते हो वल्लभ नगर लातूर गाड़ी है, ये है कुर्डुवाड़ी पुणे कुर्डुवाड़ी, ये है बरोबर अपने पुणे तुलजापुर। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से महाराष्ट्र जर्नी में, और महाराष्ट्र जर्नी के जो है और एक नए बस जर्नी में। फिलहाल मैं हूँ पुणे सिटी के स्वारगेट बस स्टैंड पर, और यहाँ से और एक नई जर्नी में जो है शुरुआत करने जा रहा हूँ आज की हमारी जो जर्नी है पुणे से तुलजापुर तक। जी हाँ दोस्तों, और आज की जो जर्नी है वो शिवशाही बस से होने वाली, स्पेशल शिवशाही बस से। टोटल हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा लगभग 250 किलोमीटर है, तो पूरी जर्नी मैं आपको जो है बताने वाला हूँ, गाड़ी कहाँ पर रुकती है खाने पीने के लिए पूरी जो है डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और गाड़ी हमारी जो वहाँ पर पीछे देख सकते हो यहाँ पर लगी हुई है शिवशाही, यही शिवशाही में हम आज जो है जाने वाले हैं। तो दोस्तों आपको अगर ये जर्नी पूरी देखना है तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, पूरी ए टू जेड मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ। 250 किलोमीटर का ये जो है डिस्टेंस है, लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं कवर करने में। तो चलिए दोस्तों आज की एक नई जर्नी को शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों आज की जो शिवशाही बस से जो जर्नी है वो मेरी लाइफ की फर्स्ट टाइम जर्नी है, इससे पहले मैंने जो है शिवशाही बस में जो है जर्नी नहीं की है। मैं आप लोगों के लिए जो है शिवशाही बस में जो है एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है शिवशाही बस में। तो देखते हैं एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको जो है जर्नी बताने वाला हूँ। यहीं पर जो है हमारी गाड़ी लगी हुई है, देख सकते हो इसका जो मार्ग है एक बार देख सकते हो, पुणे इंदापुर सोलापुर तुलजापुर, ये देखिए ये इसका, और काफ़ी पुरानी लगती है ऐसी शिवशाही देख सकते हो, लेकिन गाड़ी गाड़ी है। देखेंगे आज की एक बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी हो रही जा रही है, तो चैनल पर बने रहे, आगे आगे पूरी जो है मैं डिटेल आपको जो है बताने वाला हूँ आगे, तो चैनल पर बने रहे। बाजू में लगी है देख सकते हो स्वारगेट अक्कलकोट, ये देखिए स्वारगेट अक्कलकोट लगी है, और उसके बाजू में यहाँ पर लगी है पुणे तुलजापुर। तो दोस्तों टाइम देख सकते हो बरोबर 3 बज रहे हैं और गाड़ी अपनी निकलने के लिए एकदम रेडी है, देख सकते हो। मैं अभी जो है शिवशाही बस में जो सफ़र कर रहा हूँ, इसकी भी काफ़ी डिमांड थी पहले महाराष्ट्र के अंदर, 2-3 साल पहले ये काफ़ी डिमांडेड बस हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद में जो है अभी इलेक्ट्रिक बसेस आ चुकी है और नई हिरकनी आ चुकी है, और सीटर स्लीपर भी नई आ चुकी है, पूरे टोटल जो स्लीपर जो बस है वो भी आ चुकी है, जिसका वीडियो आपने देखा होगा मेरे चैनल पर। तो इसकी भी अभी डिमांड है लेकिन उतनी डिमांड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो आपने शादी जो लाल परी रहती है उससे 100 रुपये ज़्यादा इसका टिकट है, बस उतना ही है, क्योंकि इसके अंदर AC लगी हुई है। सफ़र तो नहीं करना चाहता था AC में, मुझे उतना AC जमती नहीं है, लेकिन इससे पहले कभी जो है इसका व्लॉग हुआ ही नहीं है शिवशाही का, तो मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, इसका जो है सफ़र एक बार जो है कर ही लेते हैं। तो अभी जो है गाड़ी निकल चुकी है स्वारगेट बस स्टैंड से, देख सकते हो आप लोग, ये देखिए।
तो दोस्तों टाइम देख सकते हो बराबर 5:20 हो रहे हैं और गाड़ी रुकी है अभी थोड़ा चाय नाश्ता के लिए। यहाँ पर ये देख सकते हो पंचरत्न वेज यहाँ पर जो है अपनी शिवशाही रुकी है और दूसरी भी लाल परी भी ये देख सकते हो। ये देखिए और कुछ सामने का व्यू देख सकते हो कुछ इस तरह का सनसेट हो रहा है अभी। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी जो है पहाड़ों में रुकी है गाड़ी पर। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों तीन गाड़ी जो है लगी हुई है, दो लाल परी और एक शिवशाही। ये देख सकते हो पुणे बारशी है, वो देख सकते हो पुणे कुर्डुवाड़ी है और वो जो है शिवशाही जो है वो है पुणे तुलजापुर। तीनों भी गाड़ी यहाँ पर जो है ठहरती है देख सकते हो आप लोग। ये देखिए यहाँ पर आपको जो है सनसेट भी मिलेगा आपको और एक पहाड़ भी मिलेगा आपको। यहाँ पर एक मस्त नज़ारा है, हाईवे के ऊपर ही ये होटल है, कुछ इस तरह का नज़ारा आप लोग को आपको जो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों और एक गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है, ये देखिए ये वल्लभ नगर लातूर। ये देखिए चार गाड़ी यहाँ पर टोटल हो चुकी है अभी। ये देख सकते हो वल्लभ नगर लातूर गाड़ी है, ये है कुर्डुवाड़ी पुणे कुर्डुवाड़ी, ये है बरोबर अपने पुणे तुलजापुर, तो दोस्तों टाइम हो रहा है बराबर अभी 6:30 और आपने जो गाड़ी है वो पहुंच चुकी है इंदापुर के बस स्टैंड पर। ये देख सकते हो ये पूरा इंदापुर का बस स्टैंड और गाड़ी अपनी यहाँ पर लगी है शिवशाही। ये देख सकते हो पूरा जो है इंदापुर का बस स्टैंड है। ये देख
कपूरथला। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अभी तुलजापुर और अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:30 और हम वहां से निकले थे लगभग 3 बजे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि पुणे से तुलजापुर तक आने में जो शिवशाही से कितना टाइम लगता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कितना टाइम लगा मुझे यहां तक पहुंचने में। अगर ये जर्नी आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, सी यू।